मफिया काल नॉलेज मंत्रा के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंतरिक्ष को लेकर सबके मन में कोई ना कोई सवाल जरूर होता है। खासकर एक सवाल जरूर होता है कि वहाँ का वातावरण कैसा होता है, वहाँ की गंध कैसी होती है। इसी बीच एक यूरोपियन कंपनी ने ऐसा परफ्यूम बनाया है जिसे अंतरिक्ष की गंध कैसी होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आइए इस बारे में जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 में। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूडी स्पेस टीम नाम की एक यूरोपीय कंपनी ने लोगों को अंतरिक्ष की गंध से अवगत कराने वाला परफ्यूम को लॉन्च किया है। परफ्यूम को छिड़कते ही मालूम होता है कि अंतरिक्ष में जले हुए मांस के टुकड़े, रसभरी और रम जैसी गंध फैली रहती है। इस परफ्यूम को बनाने में कंपनी को तकरीबन 4 साल लग गए। रिपोर्ट में कहा गया कि इस परफ्यूम की कीमत $29 यानी भारतीय रुपए में इसकी कीमत ₹2,175 है। यह बोतल 120 मिलीलीटर में फिलहाल उपलब्ध है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी 2025 में स्मेल ऑफ द मून परफ्यूम लॉन्च करेंगी। यह आपको बता दी कि नासा ने कुछ साल पहले लैब में अंतरिक्ष की गंध तैयार की थी। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रवाना करने से पहले अंतरिक्ष के अजीबोगरीब गंध वाले माहौल में ढालना था। बताया जा रहा है कि यूडी स्पेस टीम ने अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले यात्रियों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा जुटाया। इस आधार पर कंपनी ने अंदाजा लगाया कि अंतरिक्ष में कैसी गंध आती है, जिसके बाद कई अलग अलग तत्वों को मिलाकर इस परफ्यूम को तैयार किया गया। गौरतलब है कि साल 2009 में नासा के टोनी एंटोलिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यान का दरवाजा खुलते ही मेरे होश उड़ गए। एक दशक लंबे प्रशिक्षण के दौरान किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि अंतरिक्ष में कैसी गंध होती है। उन्होंने बताया कि धरती पर कभी भी इस तरह का गंध महसूस नहीं किया। टोनी ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मांस का टुकड़ा और लोहे की छड़ को एक साथ चला दिया हो। सोना हर इंसान के लिए जरूरी होता है। कुछ लोगों को नींद वाला सोना अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को गोल्ड वाला सोना। हालांकि जिन लोगों को नींद वाला सोना अच्छा लगता है उन्हें कई बार ऑफिस के काम की वजह से नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और फिर उसका असर दूसरे दिन उनके काम में दिखाई देता है। हमारे यहाँ दूसरे दिन गलती से कोई काम के दरमियान सो जाए तो उसकी बेहद ही नेगेटिविटी मानी जाती है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ काम के समय सोना पॉजिटिव माना जाता है। कौन सी है वो जगह, ये जानते हैं उस बारे में हमारे फैक्ट नंबर 2 में। इंसानों को अपनी नींद पूरी करना बेहद जरूरी है। उन्हें रोजाना कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। काम के चक्कर में कई बार लोग देर रात जागते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिससे नींद पूरी तरह नहीं होती और फिर पूरा दिन आलस और उबासी से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को चैन की नींद लेना बेहद पसंद होता है। एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर ऑफिस में काम करते करते सो गए तो इसे नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव माना जाता है। ज्यादातर देशों में काम के वक्त अगर सो गए तो नेगेटिव साइन माना जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो सिर्फ इसी वजह से एम्प्लॉयज को नौकरी से भी निकाला जा चुका है। हालांकि जापान में ऑफिस में काम करते करते अगर आप सो जाते हैं तो इसे पॉजिटिव माना जाता है। जापान के लोग मानते हैं कि आपने इतनी मेहनत की होगी कि आप थक गए। ऑफिस में किसी ने झपकी ले ली तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। जापान में इसके लिए इनमुरी शब्द है। इसका अनुवाद अक्सर ड्यूटी पर सोना के रूप में किया जाता है। जापान में इनमुरी का अभ्यास कम से कम 1000 वर्षों से किया जा रहा है और यह सिर्फ तक ही सीमित नहीं है। लोग डिपार्टमेंट स्टोर, कैफे, रेस्टोरेंट या यहाँ तक कि शहर की बिजी फुटपाथ पर एक सुखद स्थान पर झपकी ले सकते हैं। सोचिए अगर ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हो जाए तो। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा। अगर यात्रा नहीं भी की होगी तो रेलवे की पटरियों को तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाली लोहे की पटरियों पर कभी भी जंग क्यों नहीं लगती और इसके पीछे क्या वजह है? अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आइए जानते हैं इस बारे में हमारे फैक्ट नंबर 3 में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लोहे पर जंग क्यों लग जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि रेलवे ट्रैक पर जंग ना लगने की क्या वजह है। दरअसल जब लोहे से बने सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड जम जाती है। इस प्रक्रिया को धातु का संरक्षण या लोहे में जंग लगना कहते हैं। यह नमी की वजह से ही होता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अल्म आदि के समीकरण से यह परत
बन जाती है। दरअसल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए एक खास तरह की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील और मैंगलॉय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां बनाई जाती है। स्टील और मैंगलॉय के मिश्रण को मैंगनीज स्टील कहा जाता है। इसमें 12% मैंगनीज और 1% कार्बन मिला होता है। यही वजह है कि ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण काफी धीमी गति से होता है, जिसके चलते ट्रेन की पटरियों पर सालों जंग नहीं लगती। वही अगर रेलवे ट्रैक को आम लोहे से बनाया जाए तो हवा और नमी के कारण उसमें जंग लग जाएगी, जिससे पटरियों को जल्दी बदलना पड़ेगा और इसमें खर्च भी काफी होगा। इतना ही नहीं बल्कि जंग लगी पटरियों पर ट्रेन चलने से दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसे में रेल ट्रैक बनाने के लिए स्टील, कार्बन और मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेन के पहियों के घर्षण बल के कारण पटरियों में जंग नहीं लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे स्टील और मैंगलॉय के मिश्रण है जो रेलवे ट्रैक को जंग से बचाता है। हमारे आज के इस नॉलेज मंत्रा शो में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नॉलेज मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN News। नमस्कार।